हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकुल सोलंकी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन एकेडमी के चैनल लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स पे। राजस्थान में होने वाले सभी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं सिंगल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। मेरे बारे में मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ। मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ 2013 से SSC बैंक और RPSC के एग्जाम्स को। राजस्थान में होने वाले RPSC के सभी एग्जाम्स के लिए इंडिया का बहुत ही लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसपे आपको बहुत सारे एजुकेटर्स हैं और सारे कोर्सेज आप एक ही प्लेटफॉर्म पे, सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं इसके लिए रजिस्टर कैसे करना है। आपको सबसे पहले आप प्ले स्टोर या फिर आईफोन, आप जो भी यूज करते हैं, उसमें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे। उसमें अपना जनरल इन्फॉर्मेशन, कुछ जैसे आपका नाम, मेल आईडी, फोन नंबर, ये सब डाल के आप इसमें बहुत ही ईजिली इसको लॉग इन कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आपको मिलेगा क्या, उसके बारे में अपन बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, डेली लाइव क्लासेस हैं, डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी। इसमें अपने एजुकेटर के साथ आप बात कर सकते हैं, उसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आंसर पोल्स भी हैं इसमें, जो बीच में क्लास में चलते हुए आपको आंसर पोल्स दिए जाएंगे, जिसका आंसर आपको देना होता है। लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस, इसमें क्या होता है कि आप अपनी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की हो, उसको आप डिटेल्ड एनालिसिस उसका कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। फिर है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल हर एक एग्जाम के लिए पूरा स्ट्रक्चर दिया जाएगा, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको उसके प्रिपरेशन करना है, पहले कौन सा एग्जाम देना है, किस तरीके से आपको क्विजेस देने हैं, पहले कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है, ये सब चीजें आपको इसमें मिलेगी। और अनलिमिटेड एक्सेस है, आप इसको एक बार सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद आप जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है तब तक अनलिमिटेड आप इसका यूज कर सकते हैं। आपने जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है उन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप इसमें कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन इसके सब्सक्रिप्शन की तरफ, देखेंगे सब्सक्राइब करने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ता है और क्या फायदा है इसका, ये सब देखते हैं अपन इसमें। देखिए, जैसे आप एक महीने के लिए अगर आप करते हैं तो ये आपको पड़ता है 1400, 3 मंथ के लिए करते हैं तो पड़ता है 3500, 6 मंथ के लिए करते हैं 5600, जब मैं एक साल की बात करता हूं तो ये हो गया 7000। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1400 में सिर्फ एक महीना है और 7000 में पूरा 1 ईयर है। कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर लें, आप इतने बहुत समझदार है कि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन 1 या 2 महीने में नहीं होती। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 7000 एक साल के कोर्स के लिए जाएं। इसमें आप RPSC का सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया कि RPSC और राजस्थान में होने वाले ऑलमोस्ट सभी एग्जाम की प्रिपरेशन आप सिंगल प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो LDC का हो, चाहे वो RAS का हो, सभी आपको उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। अब नीचे देखेंगे, ये है मेरा कोड सोलंकी सर। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया आपको पड़ेगा 6300 रुपए का, यानी 525 रुपए महीना। और 525 रुपए महीना में इतने सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन, तो आप खुद समझदार है कि आपको किस कोर्स की तरफ जाना चाहिए। और वहीं आप 2 साल के लिए जाते हैं तो सिर्फ प्लस 1400 हो जाएगा इसमें, और प्लस 1400 होते ही आप 2 साल के लिए इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर इसमें भी आप मेरा कोड यूज करेंगे, कोड यूज करने के बाद आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, यानी 840 रुपये हो जाएंगे माइनस, और 7560 में आप 2 साल के लिए पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी एग्जाम की प्रिपरेशन 2 साल तक आराम से कर सकते हैं। हो सकता है कई बार 1 साल आपने प्रिपेयर किया और दूसरे साल आप फिर उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक बार में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आपके लिए बेहतर है कि आप 2 साल की तरफ भी जा सकते हैं और कोड यूज करने के बाद आपको 840 रुपये और माइनस हो जाएंगे और ये आपको पड़ जाएगा 315 रुपए। जहां 525 रुपए थे वहां से 315 रुपए पे आ गया। तो जहां अगर आप 1 साल के लिए कर रहे हैं तो 1400 रुपए और मिलने से आपको 1 साल और मिल जाएगा। चलो, मैं आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको आज मैथ्स पढ़ाऊंगा। इसमें देखो, मैथ्स सबसे इजी टॉपिक भी है इसका और इजी सब्जेक्ट भी है और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अपने दिमाग में ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि भाई मैथ्स है, जहाँ भी मैथ्स होता है लोग डरने लग जाते हैं, मैथ्स में कैसे प्रिपेयर करूंगा। तो मैथ्स को प्रिपेयर करने का एक बिल्कुल तरीका है, सिस्टमैटिक वे से अगर आप चलोगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स की तरफ चलोगे, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और हमेशा मैथ्स को सॉल्व करने के लिए पहले आपके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मैं सबसे पहले मैथ्स जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसका मैं स्टार्टिंग करूंगा नंबर सिस्टम से। देखो, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आपका क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले कोई भी आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करें, अल्टीमेटली आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है। मैथ्स का मतलब ही है कैलकुलेशन, हर एक चीज को उसमें कैलकुलेट किया जाता है।
तो कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं कैलकुलेट करने की और नंबर्स को किस तरीके से यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं आपको नंबर सिस्टम, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी इसका पार्ट है आज पहला, इसको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डिविजन टेक्निक्स यूज होती हैं, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, सब अपन आगे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ आपको नंबर सिस्टम में जनरल देख लेते हैं कौन कौन से नंबर होते हैं, क्या होते हैं। जनरली आपको पता है कि नंबर क्या होता है, जैसे नंबर की बात करता हूँ कोई भी नंबर हो गया, जैसे ये 64 ये एक नंबर है, 36 ये एक नंबर है, तो ये किसी न किसी डिजिट से मिलकर नंबर बनते हैं। तो डिजिट्स होती है वही बनाती हैं आपके नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं क्या है, ये है प्राकृत संख्याएं। देखिए प्राकृत संख्याएं क्या होता है, यहाँ क्लियर आगे लिखा हुआ है रियल नंबर्स, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। मतलब इनको कहते हैं एक्चुअली काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हो आप, जहां से मैं काउंटिंग चालू करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और ये इनफिनिट तक जाएगा, तो इसको मैं क्या कहूंगा, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर होता है मतलब जैसे कोई भी चीज है उसको मैं गिनूंगा तो वो रियल में ही होगी, उसको काउंट करूंगा 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से वो चलेगा, तो ये आ जाते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ये है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब जब इन सभी रियल नंबर्स में मैं सिर्फ एक जीरो ऐड कर देता हूँ तो उसके बाद ये हो जाती है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में कहें तो होल नंबर्स, ठीक है। इसमें और इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि आप यहाँ रियल नंबर है, रियल नंबर में आपको सिर्फ जीरो इंक्लूड करना है, जीरो इंक्लूड करते हुए वो हो जाएगा होल नंबर। अब आगे चलते हैं देखते हैं और क्या है अपने पास। अब है पूर्णांक संख्याएं। देखिए पूर्णांक संख्याओं का मतलब ये हो गया, अब जैसे मैं ये बात करता हूँ आपसे, मैंने एक जनरल क्वेश्चन पूछा कि भाई 2.367 क्या ये पूर्णांक संख्या है, नहीं। पूर्णांक का मतलब ही अपने आप में ये हो गया, जैसे मैं ये बात करता हूँ पूर्ण अंक मतलब इंटीजर, पूरा एक नंबर, मतलब उसमें कोई भी पॉइंट की वैल्यू नहीं होगी। तो ये यहाँ माइनस की तरफ इन्फाइनिट तक चलेंगे और ये यहाँ इधर प्लस की तरफ भी इन्फाइनिट में चलेंगे, जीरो इनके बीच में रहता है हमेशा, इधर माइनस की वैल्यूज हैं इधर प्लस की वैल्यूज हैं। तो जो भी नंबर पूरे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जहां तक भी जा रहे हैं पूरे नंबर हैं, उन्हीं नंबर्स को मैं कहूंगा पूर्णांक, ठीक है, ये होते हैं इंटीजर। इसके बाद अपन चलते हैं इवन नंबर्स पे। देखिए इवन नंबर्स आपको सबको पता है क्या होता है, ये बिल्कुल मैं आपको जनरल चीजें समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इस टाइप के नंबर्स होते हैं। अब देखते हैं सम संख्याएं, वे संख्याएं जो पूर्णतः दो से विभाजित हो जाती हैं उन्हें ही सम संख्याएं कहते हैं। कोई भी नंबर हो चाहे 84 है 76 है, अगर ये दो से डिवाइड हो रहा है, जैसे ये दो से डिवाइड हो रहा है तो मैं ऑब्वियसली बोल दूंगा क्या हो गया, जैसे इसको मैंने डिवाइड किया तो क्या मिलेगा मुझे 38 और इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 42। मतलब ये दो से डिवाइड हो रहा है, दो से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर है, यानी कि ये एक सम संख्या है। अब चलते हैं विषम संख्याएं। अब जो सम संख्या है उसका उल्टा विषम संख्या हो गया, जो भी दो से डिवाइड नहीं होता है वो विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है, इसको अपन कहेंगे ऑड नंबर्स, ठीक है। तो 1, 3, 5, 11, 17, 29 जिसमें भी दो का डिवाइड नहीं हो पा रहा है वो सारी की सारी संख्याएं ऑड नंबर्स कहलाती हैं। तो अपन चलते हैं अभाज्य संख्याओं की तरफ। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको अपने इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है यहाँ पे, यह है दो। दो को जनरली आप अभाज्य संख्या, सबसे छोटी दो ही है, एक अभाज्य संख्या में नहीं आता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक ना तो प्राइम नंबर है न इवन ऑड, इसको आप किसी भी तरीके से नहीं लेते, ये सिर्फ ऑड है, नथिंग एल्स, बाकी इसको आप अभाज्य संख्या में सम्मिलित नहीं कर सकते अपन। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है दो, 2, 3, 7, 11, 13, 17 इस तरीके से ये आगे तक चलती जाएंगी। देखिए जनरली कभी कभी कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे छोटे छोटे एग्जाम्स में उन्हें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 1 से लेके 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो ये आपको जनरल चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं सारे। अब जैसे मैं ये बात करता हूँ सिंपल कि भाई एक है, 1 से लेके 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 1 से लेके 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए। मैं जनरल अगर एक बात करता भी हूँ तो मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे 1 to 25 की बात करेंगे तो इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 9। जैसे आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, कैसे मैंने किया इसको काउंट, जैसे अभाज्य संख्या 1 से स्टार्ट होती है 1, 3, 5
उसके बाद आ गया 7, उसके बाद आ गया 11, फिर आ गया 13, फिर आ गया 17, उसके बाद आ गया 19 के बाद आ गया 23. अब ये टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 1 to 25 के बीच में कितनी बाह्य संख्याएं हैं, 9. अब आगे मैं ये बात करता हूँ कि 25 से लेके 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो टोटल है वो नंबर 6. ये आपको देख लेना कौन कौन से नंबर हैं, मैं आपको सिर्फ काउंटिंग बता रहा हूँ इनकी अभी. और फिर मैं 50 टू 100 को एक साथ ही ले लेता हूँ, तो 50 टू 100 टोटल अभाज्य संख्या हो जाती है 10. ठीक है, आप इन सभी को अगर मैं काउंट करूंगा तो मैं ये बोलता हूँ कि 1 to 100 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 25 संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य संख्या है या फिर प्राइम नंबर्स हैं. 1 से 100 के बीच में आने वाले प्राइम नंबर टोटल कितने हैं, 25. अब जैसे आपको जनरली पूछ लिया कोई क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2. 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2 अंकों की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, आप देख लीजिए 2 अंक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 11, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है. ठीक है, और 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा उसमें, 97. ठीक है, इस तरीके से कुछ कुछ चीजें होती है, आपको टिप्स पे होनी चाहिए कि हाँ इसके बीच में कितने नंबर्स हैं नहीं है, ये सब चीजें आप इसमें देख सकते हैं. अब चलते हैं आगे, भाज्य संख्याएं. देखिए अभाज्य संख्याएं तो वो होती हैं जिसका एक कोई भी, अगर मैं फैक्टर बात करता हूँ तो या तो वो 1 से या खुद से डिवाइड होती है, ये आपको बता दिया मैंने प्राइम नंबर क्या होते हैं. अब है भाज्य संख्या, वो संख्याएं जो 1 के अतिरिक्त अन्य किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं. ये बात अपन पहले कर चुके हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 4 2 से डिवाइड हो जाता है, 6 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 8 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है. इस तरीके से जो भी किसी एक के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उन सभी संख्याओं को अपन क्या कहेंगे, भाज्य संख्या है. ठीक है, अब चलते हैं परिमेय संख्याएं. परिमेय संख्याएं को देखो क्या कहते हैं, अगर मैं वैसे बात करूं तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर. ठीक है, यह है रेशनल नंबर. अब रेशनल नंबर देखो, कोई भी ऐसी संख्या जिसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकता हूं वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है. पी और क्यू इसमें दोनों पूर्णांक हो लेकिन क्यू कभी भी शून्य ना हो. देखो क्यू 0 हो जाएगा तो वैसे ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा, अब मैं किसी से भी 0 डिवाइड करूंगा तो वो नंबर वैसे खत्म हो जाएगा, तो इसलिए क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता. ठीक है, तो अब जैसे मैं बात करता हूं 4 या 3/4, 0, ये सभी प्राइम, जिसको भी मैं पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ. अब जैसे सिंपल 4 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4/1 कर दिया मैंने तो ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया. मेरा सिर्फ कहना इतना था कि क्यू क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्यू 0 नहीं है. अब अगर मैं एक तरीके से बात करता हूँ तो सारी संख्याएं जितने भी रियल नंबर्स हैं प्लस होल नंबर्स आप ले लो या फिर मैं इंटीजर की बात भी कर लेता हूँ साथ में, तो जितने भी इंटीजर हैं तो ये सारे जिनको भी मैं पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ वो सारे की सारी क्या संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं. ठीक है, अब इसके परिमेय संख्या के अलावा इसमें एक चीज और भी आती है, इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर आपको पता है क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे √2, √3, ये कंटिन्यू चलते हैं नंबर, इनकी कोई भी इनफिनिट नंबर होता है, जैसे 1.414 इसकी वैल्यू है तो ये चलती रहेगी, ये इरेशनल नंबर्स में आते हैं. ठीक है, जितने भी रूट की वैल्यूज हैं वो सभी इरेशनल नंबर में आएंगी या फिर जो भी बार की वैल्यूज होती हैं वो सभी इरेशनल नंबर है. अब आगे चलते हैं अपन इसमें, देखो कुछ क्वेश्चंस में बता रहा हूँ आपको छोटे छोटे जो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान देना है कि वो किस तरीके से पूछे जाते हैं. अभी मैंने आपको सिर्फ इतनी सी जानकारी दी है कि नंबर सिस्टम आप किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें चीजें होती है, ये बेसिक पार्ट है बिल्कुल इसका. इसके आगे के पार्ट में अपन धीरे धीरे चलेंगे कि डिविजनरी टेक्निक्स क्या होती है, यूनिट मेथड क्या होता है, डिजिटल रूट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. मैं आपकी कुछ क्लासेस सिर्फ नंबर सिस्टम पे लूंगा, उसके बाद में अपन चलेंगे किसी और चीज पे. उससे पहले अपन इसको थोड़े से कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है. अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा था इस स्लाइड पे, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2. तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये आपको वैसे पता होना चाहिए. 0 नहीं हो सकती, 1 को अपन इंक्लूड नहीं करते, 3 उससे बड़ी है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2. ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था जैसे क्वेश्चन है कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 100 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी,
अभी आपको मैं फिर एक बार रिकॉल करवा देता हूँ ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ बिटवीन 1 to 25 टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है 9, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ कि एक से लेके 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्याएं होती है। फिर उसके बाद मैं चलता हूँ 25 से 50 के बीच में कितनी बताई थी मैंने 6, और 50 से 100 के बीच में कितनी बताई थी मैंने आपको 10, ठीक है। तो 10 प्लस 6 प्लस 9 कितना हो गया 25, तो ये टोटल आपकी हो जाएगी अभाज्य संख्या, मेरा आंसर हो गया ये, ठीक है सी। तो ये आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप काउंट करने बैठ जाए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके पास टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे मैं जनरल बात कुछ बातें आपको और भी बता देता हूँ, आपको प्रिपरेशन करना है तो कुछ चीजें देखिए बिल्कुल ध्यान रखिए। मैं आपको स्क्वायर्स निकालना, स्क्वायर रूट सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब जैसे मैं बात करता हूँ आपको मिनिमम 50 तक के आपको स्क्वायर्स ये आपको याद होने चाहिए, और मैं टेबल की बात करूँ तो एटलीस्ट आप 30 तक की टेबल याद कर लें। 30 तक की टेबल याद करने से होगा आपकी मल्टीप्लिकेशन काफी इजी हो जाएगी, जहां भी आपको कैलकुलेट करना है फटाफट आप कैलकुलेट कर पाएंगे उसको, ठीक है। और मैं क्यूब्स की बात करता हूँ तो क्यूब्स आप इनिशियल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 30 तक के एटलीस्ट आप क्यूब याद रखें, ठीक है। और स्क्वायर्स अगर आपको यहाँ तक याद है तो आप वैसे 50 के क्यूब स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट अपने आप ही आपको याद रहेंगे। और इनके शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा कि स्क्वायर को कितना स्पीड से निकाला जाता है, क्यूब्स को कितना स्पीड से निकाला जाता है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब जैसे ये लिखा हुआ है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। देखो अभाज्य संख्या में बात करता हूँ तो 3 अंकों की कौन सी हो जाएगी। अब अभाज्य संख्या का क्या फॉर्मूला है, आप उसको 2 से डिवाइड करके चेक करना है सबसे पहले, ठीक है। तो ये आप देखें इस नंबर को ये सारी की सारी संख्या ऐसी जो 2 से डिवाइड नहीं होगी, लेकिन अगर मैं सबसे छोटी की बात करता हूँ तो सबसे छोटी कौन सी होगी 101, क्योंकि इससे पहले आता है 100 डिवाइड हो जाता है 2 से, तो ये तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकता, तो उसके बाद आता है 101। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 101, ठीक है। अब अपन चलते हैं, ये मैं आपको बताऊं सह अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है अपन अब ये देखेंगे। देखो को प्राइम नंबर होते हैं युग्म में चलते हैं, जैसे कोई भी ग्रुप है इसमें मैंने आपको कुछ भी डाल दिया, जैसे 3 है और ये 7 है, इन दोनों का HCF LCM में मैं आपको सब बताऊंगा आगे चल के, लेकिन जिसका भी HCF मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर इनका 1 है तो ये क्या होंगे को प्राइम नंबर, यानी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। सहअभाज्य मतलब ये एक, इन दोनों का फैक्टर एक ही होगा और उसके अलावा ये खुद से ही डिवाइड होगी और किसी से डिवाइड नहीं होगी, ये होती है सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें चला, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत पूछे जाते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे मैं पहले इसको देखता हूँ 7 और 12, ठीक है। अब 7 और 12 को मैं अगर डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो 7 और 12 दोनों, एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर रही है। अब जैसे एक से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी जैसे 2 हो 3 हो 4 हो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कौन सा युग्म अभाज्य संख्या को दर्शाता है, सहअभाज्य संख्या को नहीं दर्शाता है, सॉरी यहाँ पे आप नहीं लिखें, नहीं दर्शाता है। तो ये तो पहला युग्म कौन सा हो गया, ये तो सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, ये है 6 और 13। अब 6 और 13 की मैं बात करूं तो ये भी सेम है। अब जैसे आप उसको देखेंगे तो मैं 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा, तो इसका भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, HCF है 1, तो 1 HCF होते ही वो को प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट 5 और 20। अब 5 और 20 की बात है तो ये 1 तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये 5 भी हो रहा है और 5 से डिवाइड 20 भी हो रहा है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं 2 और 5। अब 2 और 5 भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है इसमें, 1, ठीक है। तो कितना हो गया, इसका भी HCF 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप को प्राइम नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताता चलूंगा कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है और मैथ्स किस तरीके से इजी हो सकती है। मैथ्स बहुत आसान है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करते चलेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत ईजिली आप उस चीज तक पहुंच जाएंगे जहां पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये बात ध्यान रखना कि बिना प्रैक्टिस के आप मैथ्स को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। कोई भी क्वेश्चन सपोज करो मैं आप कर रहा हूँ, अगर मैंने टॉपिक ले लिया परसेंटेज, तो परसेंटेज को मतलब आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि उसके बेस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कहीं भी अटके नहीं,
इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन को जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और सबसे बड़ा कि आपको एक साल या दो साल के कोर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। जितनी लंबी तैयारी करेंगे सफलता प्राप्त करने के चांसेस आपका उतना ही बढ़ जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मेरा कोड यूज करके सोलंकी सर कोड यूज करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। मैं आपको फिर एक चीज बता देता हूँ, प्रिपरेशन एक या दो महीने में नहीं होती है, आपको प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम 1 to 2 ईयर के लिए आपको सब्सक्राइब करना है उसको। ये सब्सक्राइब करने के बाद आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि आपको इतने प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, इतने एजुकेटर्स हैं, आप हर चीज बहुत इजीली कर सकते हैं, आपको बिल्कुल गाइडेंस प्रॉपर दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। तो इस तरीके से आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, एक दो साल तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी सफलता श्योर हो जाएगी। धन्यवाद आप सभी का, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में आपको, जैसे डिविजिबिलिटी रूट, आगे अपन डिजिटल रूट क्या होते हैं सब चीजें बताऊंगा मैं आपको, शॉर्टकट्स बताऊंगा, पहले मैं नंबर सिस्टम आपको पूरा क्लियर करूंगा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सारी कैलकुलेशन टेक्निक्स भी बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।